मनसुका नीचे तुम ऊपर मोकुले चढ़ाई की ऊपर मटकी हाथ मेरे आई जाई मेरी बात ये बनी गई है कैसी चोरी करी हो शाम मटकिया ऊपर भर गई है कन्हैया बोले मनसुखा भैया तू नीचे लच जा और तेरे ऊपर से मैं चढ़ जाऊंगा जब तेरे ऊपर मैं चढ़ जाऊंगा तो मेरे मटकी हाथ आ जावेगी सोई माखन खाए को मिल जावेगो मनसुखा बोलो लच तो नीचे जाऊंगा ऊपर ऊपर को तू खा ले तू नीचे नीचे को छूचा हमें रह जाए कन्हैया बोलो ना भैया ना देख चिंता मत कर सबसे पहले मैं तो ही दूंगा मनसुखा बोलो देख अगर तेने मोखू माखन ना दो तो तारी के नीचे से हट जाऊंगा सोई सिरे तेरे दांत फांत टूट के सब लग जाए कन्हैया बोले हाँ भैया मैं सबसे पहले मैं ही तो को खवाऊंगा चल चल लच जा तो मनसुखा नीचे लचो और भगवान ने मटकी को उतार लिया है उतार उतार आ रहा बोली कृष्ण भगवान की हरी भगवान की जय हो आज सब ग्वालाओं ने मटकी को उतारा ठाकुर जी को भोग लगायो है और भोग लगाए के बाद में वाह ग्वाला उस मटकी को लेकर के भाग गए कृष्ण पीछे भागते रहे हैं हटवा दो आगे से माखन खा रहे थे वो ब्रज में इस तरह से माखन खा रहे हैं उधर गोपिका तबलों पानी लेके छम छम कत्ते भाई चली आ रही थी गुजरिया लेके गगरी घुसी आई घुसी आई घुसी आई
गए दिखे भंगी के छोरे मनसुका, तेरे तेर ही करूं तेरी लहड़े आ जा। आज गोपिका ने सभी को अंदर घर में वाला भाग गए हैं और कृष्णा देखो जब ही सब ग्वालन ने गोपी पहुंची आई सभी ये ग्वाला भाग गए फिर पकड़े कृष्ण कन्हाई जाकी चमकत जी चुनैरिया महके नगरी जाकी चकती सी चुनैरिया महके नगरी उसी आई महलन में गुजैरिया महके नगरी आज पता चल जाएगा कृष्ण तुम्हारी माँ ये कहती है मेरा कृष्ण चोरी नहीं करता। और श्याम सुंदर आज से पहले मैं भी सोचा करती थी कि तुम चोरी नहीं करते हो और आज मुझे विश्वास है कि तुम चोरी किया करते हो। और ऐसा बरिया तू चित चोर निकला और यशोदा मैया को सांवरिया माखन चोर निकला हो यशोदा मैया को सांवरिया माखन चोर निकला आज बताऊं बड़ो के वे ना मैं ना करूंगा तेरी मैया के झोर ले चल रही हूँ आजा कड़ी खाए तेरे मेरे खून पी रखो दियो जोरे तुम रोज आ जाओ चवनी ठंडी हो हाँ अरे पकड़ कलाई गिरधारी की लेके वाल में संग चली पकड़ कलाई वनवारी की और पकड़ कलाई गिरधारी की लेके ग्वाल में संग चली पकड़ कलाई गिरधारी की और आज न छोड़ूंगी मैं प्यारे और आज न छोड़ूंगी मैं प्यारे मान ल मेरी बात भली पकड़ कलाई गिरधारी की लेके ग्वाल में संग चली। ग्वाला बहुत सोचते रहे कि किसी तरह से कृष्ण छूट जाएं। ग्वाला सोचते रहे कृष्ण छूट जाएं, लेकिन गोपिका हाथ पकड़े घूंघट पकड़े अंदर चली जा रही थी। सो एक सखा वाई को लला आयो कन्हैया बोले भाभी मेरे जा हाथ में दर्द है रहो है मेरी दूजा कलाई को छोड़ दे मेरे ले जा हाथ पकड़ ले। कृष्ण अपना हाथ छुड़ा के भाग गए और अपने मित्र का हाथ पकड़ा के कृष्ण चले गए वहां से भाग गए हैं। उधर यशोदा मैया से कहा देख मैया कोई ना कोई गोपिका मेरी शिकायत लेके आ रही होगी। यशोदा बोली आने दे और सोई यशोदा। यशोदा के दरवाजे पर गोपिका पहुंची। हेलो आज सुन रही मैं यशोदा। हाँ सखी कहो। अरे मेरी शोक तू तो ना कहवे के मेरा छोरा कहीं ना जावे। छोरा और अरे मेरो लाला तो मेरे आंगन में है। तेरा थूतरो तेरे आंगन में। कहाँ कह रही है सखी। मेरी सोत चश्मा लगाना भला आजा भी आ रही हूँ रुक जा। हाँ वही तो टकरा रही है। कहाँ कह रही है सखी। अरे पहले घूंघट तो हटा के देख ले अपने घस में ले फिर रही है हाथ में का। मैं कह रही हूँ ज्यादा मेरे घूंघट खोड़ो ना उखड़ी जाएगा फिर। हाँ अरे देख तो ले पहले मेरो लाला तो मेरे आंगन में मेरी गोदी में बैठो है। कन्हैया बोले भाभी की ली 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 झर। अरे माँ यशोदा और ये कैसे काली चरण हाथ कर रहे हैं देखो उल्लंकवा दा। गोपिका कहने लगी आज कोई नाटक है गो कोई पर्दा बदल गो आज तो भागे आए लेकिन कल अगर तुम भागे आओ तब हम जाने। गोपिका हैरान होके वहां से वापस हुई है और हमारे डॉक्टर साहब जो आए हैं बड़े भ्राता श्री उनसे निवेदन है कि वो आए।